नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी में लगभग 12 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं उनको पढ़ा है तो शुरू से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद इसको देखते हैं। राष्ट्रपति में जो हमें सबसे पहली चीज़ याद करनी होती है वो है कुछ अनुच्छेद, क्योंकि जो पहला प्रश्न आता है वनडे एग्जाम में वो ये पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा राष्ट्रपति, ये वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसके लिए आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है, या ऐसे कहा जाए कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए कौन सा अनुच्छेद में किस में वर्णन किया गया है, तो 57। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पहले हम लोग 2 मिनट देखते हैं इस पर कि इनके अनुच्छेद कैसे याद करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या खास बातें हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या होता है निर्वाचक मंडल में, कौन कौन होते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आप ये कह पाएंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है आज समझ में आ गया। तो देखते हैं इनको सबसे पहले याद करते हैं कैसे, इनमें अनुच्छेद हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, वो पहले जो 52-53 हैं इनको याद करते हैं। इनमें क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद होगा ऐसा उल्लेख किस में है, तो सबसे पहला अनुच्छेद जो इसका है, इसका भाग कौन सा होगा, राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में है। आपको याद हो किसके पहले हमने कौन सा पढ़ाया था, मूल कर्तव्य, उसका भाग क्या था, 4 का। तो 4 का के बाद कौन सा आएगा, भाग 5। तो भाग 5 में है, इसके अध्याय 1 में है। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस में होगा, अनुच्छेद 52। उसके बाद ये कहा जाएगा कि इस पद का महत्व क्या होगा, एक्चुअली जो कोई पद बना तो वो पद क्यों बना। तो ये कहा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही प्रयुक्त होंगी। तो ये तो बात पहले कह दी गई, किस में कही गई, 53 के 1 में। अब लेकिन 53 के 2 में एक बात और बताई गई कि संघ के सशस्त्र बल हैं उनका जो सर्वोच्च समादेश है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। तात्पर्य क्या है कि जल थल वायु तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति होगा, कमांडर होगा, वो कौन होगा, सेनापति। लेकिन संविधान में कहा गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति विधि द्वारा सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से ही करेगा, तो ऐसे में वो निरंकुश नहीं हो सकता। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। तो ये याद करना बिल्कुल आसान है आपको, 51, 52, 53। अब इसके बाद 54 से लेकर के 57 तक आप देखिए, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैसे, आप सोचिए, एक पद है, कौन निर्वाचन करेगा उसका, तो एक निर्वाचन मंडल होगा, आपका बन गया 54। इसके बाद निर्वाचन अगर मंडल बनता है तो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे निर्वाचन किया जाएगा, तो वो हो गया आपका 55। अब निर्वाचन मंडल, जब उसका निर्वाचन हो जाएगा तो सवाल ये उठता है कितने समय के लिए निर्वाचन होगा, तो हो गया पदावधि। अब अगर उसकी पदावधि पूरी हो गई तो पुनर्निर्वाचन भी होना चाहिए। तो ऐसे में आपको निर्वाचक मंडल, निर्वाचन की रीति, उसका पदावधि, उसका पुनर्निर्वाचन, तो एक क्रम बनता है इनका। तो आपको ये कभी भूलेंगे ही नहीं, 54, 55, 56, 57। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि पदावधि का वर्णन किस में है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, निर्वाचक मंडल, उसके बाद क्या होगा, रीति, और रीति के बाद क्या आएगा, पदावधि। तो 54, 55, 56, तो 56 में क्या होगा, पदावधि। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार आप क्रम पकड़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या आएगी, आप 58, 59, 60, 61 इनको अलग से, साथ में अगर आप 62 भी ऐड करना चाहें इस ब्लॉक में तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए अगर आपने इनके अवधि के बारे में बातें हो गई तो डिटेल ये उठता है कि चलो अब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो सबसे पहले जब कैंडिडेट आएगा तो क्या देखेंगे आप, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता, आखिर वो योग्यता है कि नहीं, योग्य होगा तो कुछ उसको शर्तें बताएंगे कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इनको नहीं होना चाहिए, तो योग्यता के बाद शर्त। तो आपको देखिए पहले योग्यता, शर्त, अब जब वो उसकी योग्यता हो गई, शर्त हो गई, ये सब प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी, तो क्या लेगा वो, शपथ, शपथ ले लिया, बन गया राष्ट्रपति, अपने अधिकारों का उपयोग करने लगा। अब पता चला अधिकारों का उपयोग करते करते संविधान का अतिक्रमण करने लगा, अब ये हुआ कि भैया 5 साल तो अवधि निर्धारित थी, इससे पहले ही हटाओ, तो हटाने की प्रक्रिया कहाँ से आएगी, महाभियोग। तो मतलब शपथ के बाद अगर उसको बीच में हटाना पड़े तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो महाभियोग। और यदि महाभियोग आ जाए या कोई और पद रिक्ति आ जाए
तो उस समय क्या कोई प्रावधान है कि जैसे जो खाली समय जो 5 साल का हमने डिसाइड किया था यहाँ पर, क्या उसको भरने का क्या समय है, कैसे निर्वाचन कितने समय में किया जा सकता है? तो अगर दोस्तों आप एक सीरियल से याद करोगे तो आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है 59 में क्या है, 55 में क्या है, ये आप देखिए उनका क्रम क्या है, कैसे वो आते हैं किस सीरीज़ में। तो यहाँ देखिए योग्यता उसको बताई गई, उसके बाद उसकी शर्तें क्या होंगी, शर्त पूरी हो गई तो उसको शपथ ली जाएगी, शपथ लिया तो उसको बीच में हटाने का भी एक रास्ता होना चाहिए, और बीच में अगर हटाई दिया गया या और कोई कारण से हटी गया राष्ट्रपति, तो जो पदरिक्ति होगी उससे संबंधित जो भरने का होगा प्रावधान वो क्या होगा। तो ये रहा आपका अनुच्छेदों को याद करने का क्रम। ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम लोग केवल राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जो शक्तियाँ हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ तक का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि अनुच्छेदों में ही इनका क्लियर है। यहाँ से आते हैं निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा ये समझने वाली बात है। तो निर्वाचक मंडल में देखिए कौन कौन होगा, संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एक लाइन में मैंने बोला संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब संसद का मतलब कौन आ गया उसमें, तो देखिए लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, हमने बोला है संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो संसद का मतलब कौन हो गया, लोकसभा राज्यसभा, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या, जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाएं, और जो केंद्र शासित प्रदेश में हैं उनकी भी विधानसभाएं। तो किन किन राज्य, किन किन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, दो हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। तो याद रहे कि जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं राज्यों की विधानसभाओं के, तो यहां आप केवल विधानसभा लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। निर्वाचित सदस्य इसमें कौन कौन मिले हुए हैं, तो राज्य ही नहीं बल्कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के विधानसभा के सदस्य प्रतिभाग करते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल करते हैं। आपको बता दूं कि 70वें संशोधन के जरिए इनको ये अधिकार मिला हुआ है, इनको भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है 1992 में। तो कभी अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ ले कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब सम्मिलित किया गया, तो वो 70वें संविधान संशोधन 1992। हालांकि अभी स्टार्टिंग में आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। तो निर्वाचक मंडल में कौन होगा, बिल्कुल क्लियर लाइन है कि संसद और विधानसभा, जहाँ जहाँ विधानसभा है और संसद के निर्वाचित सदस्य। बार बार मैं निर्वाचित पर क्यों जोर दे रहा हूँ, निर्वाचित का तात्पर्य ये है कि आप सभी जानते हैं कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा में दो सदस्यों का मनोनयन होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति, अभी लोकसभा में पढ़ेंगे, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से विधानसभा में भी जो मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा, उनका भी मनोनयन जो होता है वो मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि विधान जो सभा है, जहाँ जहाँ विधान परिषद है, 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, तो क्या वो वोटिंग में सम्मिलित होते हैं? तो ऑप्शन में आपके कि वो भी होगा कि राज्य के विधान परिषद भी होंगे उसमें, तो विधान परिषद भी इसमें सम्मिलित नहीं होते। तो याद रहे कि मनोनीत नहीं होंगे कोई भी, और कौन नहीं होगा, विधान परिषद का कोई सदस्य नहीं होगा। तो इन दोनों से आपको बचे रखना है, इनको आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है। निर्वाचक मंडल क्लियर हुआ, फिर से इसको रिवीजन करते हैं। जो ये राष्ट्रपति पद है उसका निर्वाचन कौन करेगा, तो एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, जो किससे बना होगा, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाएगा। अब निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, तो निर्वाचन की प्रक्रिया जो है आपके किस अनुच्छेद में होगा, ये 54 हो गया, तो 54 निर्वाचक मंडल बताता है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 55 में आएगा निर्वाचन की
रीति, ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसको अच्छे से समझिएगा। निर्वाचन रीति कैसी होगी, इसमें कुछ कीवर्ड हैं, उनका पहले ध्यान रखते हैं। अप्रत्यक्ष, निर्वाचन प्रणाली, पहला कीवर्ड जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तीसरा क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चौथी बात क्या होगी, गुप्त मतदान। इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, आप कोई भी अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, सॉल्व पेपर, तो क्वेश्चंस आपके भरे मिलेंगे। तो निर्वाचन रीति में क्या क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया ये कहती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए गुप्त मतदान के माध्यम से होगा। बड़ा टफ लग रहा होगा, इनको समझते हैं क्या है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एक एक करके समझते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब हुआ कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं करती। आप देखिए यहाँ वोटिंग कौन कर रहा है, निर्वाचित सदस्य। आपने किसको वोट किया है, सांसद को, विधायक को, और वो वोट कौन करेगा, तो वो करेगा वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं करती, तो जनता प्रत्यक्ष नहीं करेगी तो उसका निर्वाचन कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष। क्लियर हो गया, इस पे आते हैं। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इस बात के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारत में सभी राज्यों और विधान जो संसद हैं सबके मत मूल्यों में समानता हो। तो अब सवाल ये उठता है, किसी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा सदस्य हैं, किसी राज्य की विधानसभा में बहुत कम सदस्य हैं, तो ऐसे में किसी राज्य का परसेंटेज वोट का ज़्यादा हो जाएगा, उनके वोट की वैल्यू, और किसी की वोट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो समान रूप से बना रहे, इसके लिए एक फार्मूला अपनाया गया। तो समान आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके लिए मतमूल्य निकाले जाते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि विधानसभा के सदस्य का मतमूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो विधानसभा सदस्य का मतमूल्य कैसे निकालेंगे, तो दरअसल उस राज्य की जो जनसंख्या हो, जिस जहाँ विधानसभा है उस राज्य की जनसंख्या से किससे भाग किया जाएगा, जो वहाँ के निर्वाचित सदस्य हैं, तो उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब राज्य की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में पहुंच जाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सदस्य से भाग दिया जाएगा तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसमें 1000 से भाग दे दिया जाता है, तो गुणे 1/1000। तो इनको याद करना बहुत आसान है कि राज्य की जनसंख्या ले लीजिए और राज्य की जनसंख्या को भाग दीजिए किससे, वहाँ के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उस विधानसभा में उनसे भाग दीजिए, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए उसमें क्या किया गया है कि 1/1000 से गुणा, इसका मतलब 1000 से भाग कर दिया जाएगा, तो इससे निकल आएगा विधानसभा सदस्य का मत मूल्य। अब विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकल आएगा, तो अब ये विधानसभा और संसदों के मत मूल्य बराबर कैसे हों, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, संसद सदस्य का मत मूल्य निकाला जाएगा। संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए यहाँ एक कैंडिडेट का मतमूल्य निकला इस तरीके से, अब उसमें जितने सदस्य होंगे उनका गुणा कर लिया जाएगा, तो एक विधानसभा के सभी विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य निकल आया। अब जितनी विधानसभाएं हैं, जितने सदस्य हैं, उनका सबका मत जो है मतमूल्य जोड़ लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विधानसभा
सदस्यों के मत मूल्यों का योग, मतलब जितने विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हैं उन सब के मत मूल्य जोड़ लीजिए आप, ठीक है। और जोड़ने के बाद क्या करिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य से भाग दे दीजिए। तो इससे क्या निकल आएगा, संसद सदस्य का मत मूल्य। अब आप देखिए, ये है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इससे अनुपात के तौर पर जो वोट वैल्यू होती है वो सबकी सेम होती है। तो इनका जो कभी कभी इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि फार्मूले को लेकर भी पहले आते थे कि फार्मूले ही प्रिंट कर दिए जाते थे, तो इनको लेकर के थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना है। सबसे पहले किसका निकाला जाएगा, विधानसभा का। जनसंख्या में सदस्यों से भाग दिया जाएगा, साथ में 1000 से भाग दिया जाएगा। जब आ जाएगा तो पूरे देश के जितने विधानसभा सदस्य हैं उनका मत मूल्य जोड़ करके उसमें भाग दे दिया जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों से। तो ये आपका निकल आएगा वोट वैल्यू। इस तरीके से वोटिंग होगी। अब यहाँ पर देखिए, बात आई है जनसंख्या। तो जनसंख्या कब की, जनसंख्या तो हर 10 साल पर जनगणना होती है, घटती बढ़ती रहती, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जो जनसंख्या होगी वो 1971 की जनगणना होगी, 1971 की जनगणना होगी। ऐसे में तो क्या हमेशा 1971 की जनगणना का ही प्रयोग होता है? जी हाँ, अभी तो 71 की जनगणना का प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या हमेशा होता रहेगा? नहीं। तो इसके लिए प्रावधान ये है, 2001 में संशोधन किया गया 84वां, उसमें ये किया गया कि जो अगला जो इसमें बदलाव होगा जनसंख्या में वो 2026 में होगा। तो जब 2026 के बाद, या इसका मतलब जो 2026 से पहले जिस जनगणना के आंकड़े सुसंगत रूप से प्रकाशित हो गए हों उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा। तो 2026 की जनगणना के हिसाब से ये 2001 में जो संशोधन हुआ उसके तहत तय कर दिया गया है कि अब जो 2026 में जब जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित जो हुए रहेंगे उन्हीं का प्रयोग उसके बाद वाले राष्ट्रपति के निर्वाचन में किया जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसमें बचा हुआ है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान। अब देखते हैं इनको आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको हम लिखा रहने देते हैं अभी। देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, जब सबको वोट वैल्यू डिसाइडेड हो गई अब वोटिंग होगा। वोटिंग कैसे होगा, वोटिंग में अगर एक से अधिक प्रत्याशी खड़े हुए राष्ट्रपति के पद के लिए, मान लीजिए ए भी खड़ा है, बी भी खड़ा है, सी भी खड़ा है, ठीक है, एक सदस्य वोट करने जाएगा तो वोट कैसे करेगा। अब मान लीजिए वो उसका जो फेवरेट कैंडिडेट है जिसको वो वोट करना चाहता है वो बी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बी को वरीयता क्रम में वोट देगा पहला वोट। तो इसमें वो वोट वरीयता क्रम में, अपना एक वोट वरीयता क्रम में देता है। इसके बाद उसको ये होगा कि अगर बी ना जीते तो कौन जीतेगा, इसका मतलब उसकी सेकंड जो प्रायोरिटी होगी वो किसको देगा। तो माना कि उसने ए को दिया तो उसने इसको वरीयता दे दी 2। उसके बाद उसको लगता है कि अगर ये दोनों ना जीते तो अंत में तीसरी वरीयता कौन होगी इसकी, इसका मतलब उसका प्रेफरेंस क्या है, वो जिताना चाहता है बी को। अगर बी ना जीत पाए तो वो ए को देखना चाहता है राष्ट्रपति के पद के तौर पर, और अगर ए नहीं है तो फिर सी बने। तो वो अपना जो वोट है ना वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब वरीयता क्रम में देगा। अब इसकी गणना भी बहुत विचित्र तरीके से होती है, देखिए कैसे। अगर जब ये चुनाव हो जाएगा ऐसी स्थिति में इसमें ये बात रखी गई है कि कोई भी राष्ट्रपति तभी निर्वाचित माना जाएगा जब उसको 50% से अधिक प्लस 1 यानी कि 50% से अधिक मत मिले हों वैध मतों का, जितने वैध मत पड़े हों उसका 50% से अधिक मत जब मिलेगा
जितने टोटल वैलिड वोट हों डिवाइडेड बाई 2+1, इस तरीके से करके मोर देन 50% हो सकता है। तो प्रत्याशी चाहे जितने हों लेकिन वैलिड वही प्रत्याशी बनेगा राष्ट्रपति जो वैध मतों के 50% से अधिक मत पाया हो। तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि नंबर एक की वरीयता किसको मिली है। तो मान लीजिए मैक्सिमम लोगों ने बी को ही नंबर एक पे वरीयता दी और इसी वोट के साथ वो वैध मतों का 50% से अधिक, तो सबसे पहले टॉप पे कौन रहा? बी हर जगह रहा। तो बी क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। कब? जब उसको 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि यदि बी को वरीयता क्रम में एक पहले मिलता तो ज़्यादा है, लेकिन उसको 50% से अधिक सीटें यानी कि वोट जो है नहीं मिलते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण की मतगणना होगी। इसी को आपने सुना होगा कि प्रथम चरण की मतगणना सफल न होने के बाद द्वितीय चरण की मतगणना। तो द्वितीय चरण की मतगणना का मतलब फिर से काउंटिंग नहीं, उसमें क्या किया जाएगा? उसमें देखा जाएगा कि ऐसे जो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा? उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। मान लीजिए सी को सबसे कम वोट मिले हों, ठीक है, इसको मान लीजिए ए को यहाँ पर 1000 वोट मिले हों, बी को इसको 700 वोट मिले हों और सी को मिले हों यहाँ पर 300 वोट, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे कम वोट किसको मिले? सी को मिले, तो सी वाले को क्या किया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। अब ये चुनाव प्रक्रिया से द्वितीय चरण की मतगणना में बाहर हो जाएगा। थोड़ा समझते जाइएगा, द्वितीय चरण की मतगणना में सी को बाहर कर दिया जाएगा। सी को बाहर करने से क्या होगा कि इसका जो तृतीय चरण का जो इसका चूँकि द्वितीय चरण की मतगणना है ना, तो देखा जाएगा इन 300 वोटों में जिन 300 लोगों ने दिया है, उन 300 ने भी 1, 2, 3 की कैटेगरी में दी होगी, तो उन्होंने अपना दूसरा कैंडिडेट किसको रखा है, दूसरी वरीयता किसको दी है, उन दूसरी वरीयता वाले वोटों को इन दोनों में बाँट दिया जाएगा। तो उन दोनों में बाँटने से क्या होगा कि मान लीजिए उन 300 में से जो 200 वोट हैं वो किसको मिल जाते हैं? इनको मिल जाते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? 1000 में 200 जोड़ देंगे तो 1200 हो जाएगा, और जो 100 मिलता है वो इसको मिल जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 800। तो ये बाहर हो जाएगा और ए बी में किसके मत ज़्यादा हो गए? बी के। तो बी को क्या किया जाएगा? विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो द्वितीय तृतीय चरण की मतगणना इस प्रकार होती है, जिनकी सामान्य जानकारी होना जरूरी है। इनसे भी क्वेश्चंस कभी कभी जो मेन मेन बातें हैं उनको लेकर के आते हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो ये तो रहा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब गुप्त मतदान, तो वोटिंग ओपनली नहीं होती कि कोई भी वोट करके और बताए कि हमने आपको वोट दिया है, तो इस तरीके से गुप्त मतदान की प्रणाली है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में क्या क्या आपको बताया गया? तो पहले बताया गया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, उसके बाद क्या बताया गया कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है कैसे मत मूल्य निकाल के किया जाएगा वो होगा उसकी प्रक्रिया। तीसरी बात बताई गई कि वो वरीयता क्रम में वोट देगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, और मतदान कैसे होगा? तो गुप्त मतदान द्वारा। तो ये है इसकी निर्वाचन रीति। अब आइए देखते हैं कि पदावधि क्या होगी। तो 56 के तहत बताया जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण, तो पद ग्रहण कब करेगा? शपथ वाले दिन। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। अब ऐसी स्थिति, तो ये तो डिसाइडेड हो गई, लेकिन क्या इससे पूर्व भी वो त्याग पत्र दे सकता है? तो दे सकता है। इससे पूर्व यदि वो त्याग पत्र देता है तो बिल्कुल दे सकता है। अब त्याग पत्र देगा किसको? सबसे बड़ा तो राष्ट्रपति ही है, तो राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को। क्यों देगा उपराष्ट्रपति को? आपको भी मैं आगे पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 63 से कि जब आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही त्यागपत्र देगा तो उसके बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक, कार्यवाहक क्या मतलब? वो काम करने के लिए वही होगा, फिर निर्वाचन होगा 6 महीने के अंदर।
तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। यहाँ एक बात और जानने की बात है, यदि वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति उसकी सर्वप्रथम सूचना किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है? श्री ओम बिरला जी। इसकी जो प्रथम सूचना है वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसकी पदावधि कितनी है? तो 5 वर्ष। त्यागपत्र दे सकता है, हाँ, किसको? उपराष्ट्रपति को। त्यागपत्र यदि देता है तो उपराष्ट्रपति उसके बाद सबसे पहले सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमेशा आपको दिखते रहते हैं, तो मैंने आपको ये यहाँ पे डिटेल बताया। अब पदावधि के बाद पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है? तो ये आप ऐसे ही समझ लीजिए कि पुनर्निर्वाचन के लिए भारत का राष्ट्रपति, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार उसका चयन किया जाएगा उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा। तो ये हो गया आपका 57। तो इस तरीके से हमने देखा किस निर्वाचक मंडल द्वारा चयन होगा, उसका निर्वाचन होगा, उसके बाद उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कितने वर्ष के लिए होगा और पुनर्निर्वाचन के लिए वो पात्र होगा। अब आइए देखते हैं तीसरे ब्लॉक में अपने 58, योग्यता, पद हेतु शर्तें, शपथ, महाभियोग, पद रिक्ति के पश्चात निर्वाचन का समय। आइए देखते हैं सबसे पहले योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? आप राष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं, तो सबसे पहले क्या है, भारत का नागरिक हो, दूसरी बात क्या है, दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु। तो आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब कंफ्यूजन आयु में बहुत होता है, तो एक फार्मूला याद रखिए, देखिए संसद किससे मिलकर बना होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद 3 के 3 अंग होते हैं, तो देखिए लोकसभा के सदस्यों की जो एलिजिबिलिटी होती है आयु की, वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के जो सदस्यों की आयु होती है कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की कितनी होती है, तो 35 वर्ष। तो आपको याद करने में देखिए कितना आसानी है, संसद के 3 अंग कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, उसके बाद राष्ट्रपति। तो 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य के लिए आयु, 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु, 35, तो सब में 5-5 का डिफरेंस है कि नहीं, तो यही आपको याद रखना है, तो कभी एज में कंफ्यूजन नहीं होगा। भारत का नागरिक हो, आयु उसकी 35 वर्ष हो, तीसरी क्या योग्यता होनी चाहिए, वह लोकसभा, LS का मतलब लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है, मतलब पागल दिवालिया ना हो, विकृत ना हो, दल बदल कानून के तहत तो उसको निर्वाचित नहीं किया गया हो, इस तरीके के जो कंडीशंस हैं। और चौथा क्या है, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब सरकार के अधीन, भारत सरकार के या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी वेतन जैसी जो सुविधाएँ मिलती हैं राज्य सरकार की, तो वो जैसे लाभ के पद हैं उन पर ना हो। तो ये आपकी 4 एलिजिबिलिटी हैं। तो देखिए आपको भी अगर इलेक्शन लड़ना हो राष्ट्रपति का, तो आप तो नागरिक ही हैं, मान लीजिए 35 वर्ष के भी हो जाएंगे, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी आप में हो ही जाएगी, लाभ के पद पर तो नहीं होंगे, या कुछ लोग हैं तो त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए, तो हर कोई चलेगा चुनाव लड़ने, चलिए राष्ट्रपति बनते हैं। तो ऐसे में बाउंडेशन क्या लगाई गई है, तो ये भीड़ ना बढ़े इसके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक जब वो फॉर्म भरेंगे राष्ट्रपति महोदय अपने चुनाव के लिए, तो वो उसके लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए इसकी सीमा रखी गई है। तो वही व्यक्ति अपना फॉर्म भर सकता है, नॉमिनेशन करा सकता है,
जिसको 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया गया हो। प्रस्तावक कितने होंगे? तो 50 सदस्य। और अनुमोदक कितने होंगे? 50। और 50 सदस्य ने उसका अनुमोदन किया हो। तो योग्यता में इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो ये भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लाभ के पद पर ना हो, और उसे 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित उसका नाम तथा 50 सदस्यों द्वारा उसका अनुमोदन किया गया हो। तो ये यही जब आ जाता है तो आपके जब 50 सदस्य जो संसद के हैं वो अनुमोदित करें आपको, तभी आप कर पाएंगे। तो इसीलिए आप उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो सांसद हैं वो आपका जब प्रस्ताव करेंगे, अनुमोदन करेंगे, तभी आपका नाम उसमें नामांकन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो योग्यता से संबंधित बातें हैं वो किस में रखी गई हैं? 58 में। ठीक है, तो इनको आगे लेके चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं। एक बात इसमें और बताना चाहूँगा कि इसमें जो राष्ट्रपति के लिए होता है, वैध मतों का 1/6 मत उसे प्राप्त करना आवश्यक होता है। हालांकि ये स्थिति नहीं आती, लेकिन फिर भी ये प्रावधान किया गया है कि जितने वैध मत पड़े हों उसका 1/6 मत उसको मिलना आवश्यक है। यदि नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या होगी? जो उसकी जमानत राशि होती है, हर निर्वाचन के लिए कैंडिडेट को एक जमानत राशि देनी होती है, तो वो कितनी होती है राष्ट्रपति के लिए? 15,000 रुपये। तो वो 15,000 रुपये जो उसकी जमानत राशि है वो क्या होगी? जब्त तो हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसको वैध मतों का 1/6 मत जो है वो आवश्यक पाना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी जमानत राशि जो 15,000 रुपये है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये रहा आपका योग्यता। इसके बाद आते हैं पद हेतु शर्तें। कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो इसमें इनकी दी गई हैं? आगे चलते हैं। पद हेतु शर्तें जो हैं उसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि जब वो निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना हो, चाहे वो राज्यसभा, लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो सदस्य है और वो त्यागपत्र नहीं देता है और वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा उसी दिन से उस सदन का वो सदस्य जहाँ पर पहले था उसको रिक्त मान लिया जाएगा। तो ये इसकी स्थिति है कि किसी भी सदन का सदस्य ना हो। दूसरा क्या है, ये इसको जो भी वेतन भत्ते जो भी प्राप्त होंगे, सरकारी वेतन इनको लेने का अधिकार होगा, वो टैक्स फ्री होगा। इस समय कितना है वेतन? तो 5,00,000 रुपये पर मंथ। तो भारत के राष्ट्रपति की जो पेमेंट है वो कितनी है? 5,00,000 रुपये प्रति मंथ। ठीक है, तीसरा, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ऐसी कुछ शर्तें जो हैं इसमें रखी गई हैं कि किसी भी सदन का सदस्य ना हो, वेतन भत्ते टैक्स फ्री हो, वेतन भत्ते का वो हकदार होगा, और लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद इसका आता है शपथ, अनुच्छेद 60 में। 60 में शपथ है, आपको याद होगा मैंने अनुसूची का चैप्टर पढ़ाया है, तो उसमें हमने आपको बताया है अनुसूचियों में, तो अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ आपको फंसाता है कि राष्ट्रपति अपना शपथ किसके तहत लेगा। तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो शपथ है वो अनुसूची 3 के तहत होते हैं। राष्ट्रपति का शपथ अनुसूची 3 के तहत नहीं होता। 60 में ही शपथ का प्रारूप भी दिया गया है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहाँ पर वर्णित है, तो अनुसूची 3 भी देगा ऑप्शन में और आपका अनुच्छेद 60 भी देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके ऑप्शन क्या लेना है? राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप 60 में है और इससे संबंधित प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो उनके समक्ष लेंगे। लेकिन यदि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
शपथ दिलाने के लिए उपलब्ध ना हो किसी भी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जो वरिष्ठतम जज हो, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो ऐसी स्थिति में या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे या फिर जो भी वहाँ का वरिष्ठतम जज होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। और शपथ का प्रारूप कहाँ होगा? तो वो अनुच्छेद 60 में होगा। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो इसमें याद होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं यदि शपथ के बाद महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग दरअसल राष्ट्रपति को हटाने की, पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जो कि 5 वर्ष के पूर्व ही हटाई जा सकती है, हटाया जा सकता है उनको। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? यदि संसद के किसी सदन में उसके 1/4 सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास किया जाए यानी कि लाया जाए, अनुमोदित किया जाए, एक चौथाई सदस्यों द्वारा उसका अनुमोदन हो, प्रस्ताव लाया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो लाएंगे क्यों? तो इसका आधार क्या होता है? राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो एकमात्र आधार है वो है संविधान का अतिक्रमण। यदि किसी कार्य में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण किया है तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन इसका भी तरीका है, किसी भी प्रस्ताव को किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होगा, सूचित करना आवश्यक होगा कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा उसके जरिए अपनी बात वो रख सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसे एक चौथाई सदस्यों द्वारा जब अनुमोदित किया जाएगा तो इस प्रस्ताव को उस सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, चाहे लोकसभा में आया हो चाहे राज्यसभा में आया हो, 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाए। अब इसमें 2/3 किसके? तो कुल सदस्यों के, तो कुल सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाए। यदि पारित कर दिया जाए तो अभी महाभियोग नहीं पारित हो गया, ये एक सदन की प्रक्रिया हुई। इसके बाद इसी प्रकार दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होगी। वो भी सदन जब अपने 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देगा तब राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो भारत में राष्ट्रपति महाभियोग का अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया है कि उन्होंने कभी संविधान का अतिक्रमण किया और उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया हो। लेकिन इनके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो यही हैं कि 1/4 सदस्यों द्वारा अनुमोदित हो, 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो और दूसरा सदन भी उसको 2/3 बहुमत से पारित करे, दोनों 2/3 बहुमत से पारित करें। तो यहाँ पर आपको 3 जो हैं उनको याद रखना होगा, कौन से? 1/4 सदस्य, 14 दिन और 2/3 बहुमत। तो इनके जरिए क्वेश्चंस में आपको फंसाते हैं। तो महाभियोग का है प्रक्रिया। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 62 में, पद रिक्त के पश्चात निर्वाचन का समय। तो पद रिक्त के पश्चात क्या होगा? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी अकस्मात वजह से त्यागपत्र, किसी वजह से अगर पद रिक्ति हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति तो कार्यभार संचालन करेंगे कार्य का, लेकिन निर्वाचन का समय क्या होगा? तो इसमें 2 बातें हैं कि जब पद रिक्ति हो जाएगी तो राष्ट्रपति, यदि उसकी मृत्यु हुई है तो मृत्यु से 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन करा लिया जाएगा। तो पुनर्निर्वाचन का समय कितना होगा? 6 माह के भीतर। और यदि मृत्यु नहीं हुई है, पद खाली नहीं हुआ है तो क्या होगा? चुनाव कब कराया जाएगा? तो हर बार जो चुनाव है राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही, यानी कि अगर पद रिक्ति नहीं हुई है तो राष्ट्रपति का जो समय है, कार्यकाल है, उसके समाप्ति के पूर्व ही उसका निर्वाचन करा लिया जाएगा, जिससे कि उसका जो गैप है वो ना होने पाए और फिर से उसके जो उसका कार्यकाल ख़त्म होते ही नया राष्ट्रपति चयनित हो जाए।
तो इसमें देखिए, और अगर पदरिक्ति हो जाती है किसी अकस्मात कारणों की वजह से तो उपराष्ट्रपति कार्यभार देखेगा, और कार्यभार के समय उनका जो चुनाव है वो 6 महीने के भीतर कराया जाना आवश्यक होगा। सवाल ये उठता है कि जब 6 महीने के भीतर चुनाव होगा पदरिक्ति की वजह से, मान लीजिए 5 साल के लिए चयनित हुआ और 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो 2 साल का कार्यकाल जो है बचता है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो निर्वाचन होगा फिर से, क्या वो 2 साल के लिए होगा कि पूरे समय के लिए होगा? तो बिल्कुल याद रखिए कि जब भी पुनर्निर्वाचन होगा तो वो अपने पूरे कार्यकाल के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि वो केवल 2 ही साल के लिए होगा, वो पूरे कार्यकाल के लिए, यानी कि जो नया चुन के आएगा वो 5 साल उस पर अपना कार्य करेगा। तो ये कुछ प्रावधान हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, डिस्कस किया राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारी बातें। अभी इसका दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं और इनसे संबंधित अनुच्छेद क्या हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और कोशिश करिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एक नोट्स ही बनाते चलिए। थैंक यू।